भरण पोषण राजा नहीं वह सुनीति स्वयं करने लगी। रोज वन में जाकर लकड़े काटती, उसे बेचकर अपना जीवन निर्वाह करती। राजा के बाहर राज्य में एक कुटिया बनाकर रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन की बात, राजा शिकार करने के लिए वन में गए, वापस आने में देरी हो गई। सुनीति के उस झोपड़ी में रुक गए। देव का विधान तो देखिए, जब ये महल में रह रही थी तब इसे कोई संतान नहीं हुई, और झोपड़ी में जब रहने लगी तो राजा के द्वारा सुनीति के गर्भ में एक बालक आया। यहां सुनीति के गर्भ में बालक, वहां सुरुचि के गर्भ में बालक। समय जाते दोनों रानियों ने, दोनों पत्नियों ने प्रसव किया। सुनीति के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ उस बालक का नाम रखा गया उत्तम, और सुनीति के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ उस बालक का नाम रखा गया ध्रुव। ये दोनों बालक धीरे 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 बड़े होने लगे। कथा तो बहुत लंबी है, संक्षिप्त में इतना ही समझिए। जब ये दोनों 5 वर्ष के हुए तो ध्रुव कभी कभी उत्तम के साथ खेलने के लिए महल में आ जाया करते थे, लेकिन खाने पीने सोने और भोजन की व्यवस्था तो सुनीति के घर पर ही करनी पड़ती थी। एक दिन ध्रुव और उत्तम दोनों राजा के महल में खेल रहे थे। राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन के ऊपर बैठे थे, बाजू में सुरुचि बैठी थी। खेलते 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 ध्रुव और उत्तम राजा के पास आए। दोनों बालक राजा के पांव के पास आ गए। प्रेम के वशीभूत होकर राजा ने ध्रुव को उठा, उत्तम को उठा लिया, और उत्तम को उठाकर राजा ने अपने गोद में बिठा दिया। सत्य बात तो यह थी भक्तों, राजा ध्रुव को भी उठाना चाहते थे, प्रेम था। परंतु राजा ने सोचा, यदि ध्रुव को उठा लूंगा तो ये पत्नी नाराज हो जाएगी। सुरुचि प्रेम भंक भिया अंकम न आरोपियत, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि अपनी पत्नी सुरुचि के प्रेम का भंग हो जाने के भय से राजा ने ध्रुव को अपने गोद में नहीं बिठाया। अब बच्चों में तो होड़ होती है कि एक बच्चे को चॉकलेट चाहिए तो दूसरे को चाहिए। ध्रुव ने देखा, मेरा मित्र उत्तम गोद में बैठा है तो मैं भी गोद में बैठूंगा। राजा ने नहीं बिठाया तो क्या हो गया, वह स्वयं अपने बाहुबल से राजा के गोद में बैठने का प्रयास किया। जैसे ही भुजाओं के बल से राजा के गोद में बैठने गया, उसी समय सोतिया डाह के कारण ईर्ष्या के वशीभूत होकर सुनीति ने, सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उठाकर नीचे पटक दिया। पटक दिया, ध्रुव मूर्ख बालक राजा के गोद में बैठने का प्रयास कर रहा है, तू तेरी औकात भूल रहा है। ध्रुव तो रोने लगा बेचारा, बोले मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूं। बोले नहीं बैठ सकते हो तुम, बालोसी बतनात्मानम, तुम बालक हो, अब मैं तुझे क्या समझाऊं। तो इस बात को नहीं समझेगा। ध्रुव ने कहा, क्यों नहीं समझूंगा, जैसे ये उत्तानपाद उत्तम के पिता है तो मेरे भी पिता है, मैं भी इनका पुत्र हूं, मैं भी राजा का पुत्र हूं। तब सुरुचि ने अपने ईर्ष्या के वशीभूत होकर कहा, ध्रुव तेरी बात सत्य है, तू राजा का पुत्र है ये मैं मानती हूं, तू राजा का पुत्र है लेकिन तू रानी का पुत्र नहीं है। यदि तुझे राजा के गोद में बैठना है तो पहले रानी का पुत्र बन के दिखाओ। तो मैं रानी का पुत्र कैसे बन सकता हूं, बोले इस जन्म में तो संभव नहीं है। तपसा राज्य पुरुषम तद एव अनुग्रहेण में, तुम जाओ जंगल में तपस्या करो, मरो, और यदि भगवान मिल गए तो कहना कि मुझे दूसरा जन्म सुरुचि के गर्भ से मिले, तब जाकर राजा के सिंहासन पर बैठ सकते। विचार कीजिए, स्त्री को कितना अभिमान था है?
यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो उसे सुरुचि के गर्भ से जन्म लेने की क्या जरूरत है, वो तो सीधे नहीं दे सकते। लेकिन इस नारी को अभिमान था और कह दिया जाओ यहां से निकल जाओ। ध्रुव के हृदय में बहुत कष्ट हुआ, ध्रुव जोर जोर से रोने लगे। मातू सपत्न्या, मैत्री मुनि कहते हैं सदुरुक्त विद्वी स्वशन रुषा दंड हता है। जैसे कोई आदमी रास्ते से चल रहा हो और अचानक अनजान में किसी सर्प की पूंछ के ऊपर पांव आ जाए और सब तुरंत खड़ा होकर अपनी फेंड मारने लगे, वैसे ही ध्रुव तुरंत खड़े हो गए और वहां से दौड़ कर निकल गए। रोते रोते ध्रुव उस राजा के घर से अपनी मां सुनीति के पास दौड़ पड़े। आचार्यों ने लिखा है कि ध्रुव को इस बात का रोना नहीं आ रहा था कि मेरी मां ने मुझे कटु वचन कहे, क्योंकि ध्रुव महाराज जानते थे मेरी मां सोतेली है और सोतेली मां कटु वचन बोल सकती है। ध्रुव हृदय में सोच रहे थे कि ये मां सोतेली थी लेकिन बाप तो मेरा था, मां पराई थी लेकिन पिता तो मेरा था, एक शब्द भी नहीं बोला। वास्तव में राजा उत्तानपाद ने कुछ ऐसा ही किया है, अपनी पत्नी के मोह में पत्नी की आसक्ति में फंसकर राजा उत्तानपाद अपना कर्तव्य भूल गए। भक्तों ये मात्र राजा उत्तानपाद की बात नहीं, कलयुग में तो घर घर में उत्तानपाद भरे हुए हैं। दो दिन से कोई पत्नी घर पर आई है उसके वश में उसके मोह में वशीभूत होकर आज का मानव आज का मनुष्य अपने माता पिता के एक कर्तव्य को भूल जाता है, अपने समाज के कर्तव्य को, पुत्र के कर्तव्य को, गुरु के कर्तव्य को भूल जाता है। राजा उत्तानपाद की बात नहीं, राजा दशरथ जिसका रथ दसों दिशा में चलता था, अव्याहत गति से बड़े बड़े देवता भी जिनको स्वर्ग में बुलाते थे युद्ध करने के लिए, लेकिन पत्नी के मोह के वश में हो गए। वह कई कई बोलती रह गई कि दो वरदान है, भरत को राजा और राम को वनवास। राजा दशरथ मर गए, अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं कह पाए कहीं कहीं तुझे और जो भी मांगना है मांग ले, मैं राम को वन में नहीं भेजूंगा। बोल सकते थे, पति थे, बड़े थे, ज्येष्ठ थे। लेकिन इन इतिहास से हमें यह ज्ञात होता है कि आज का पुरुष यदि स्त्री की आसक्ति में फंस गया तो अपने जीवन के सारे कर्तव्य भूल जाएगा, सारे कर्तव्य। इसलिए तो काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को कलयुग का वर्णन करते हुए कहा कि गरुड़ एक दिन ऐसा कलयुग आएगा, नारी विवश नर सकल गोसाई, एक बार कथा में मैं ये चौपाई गा रहा था तो हमारे गुरु जी ने सुन लिया, प्रवचन के बाद हमको बुलाया, बोले ये कोई गाने की चीज है नारी विवश नर सकल। मैं बोला गुरुजी आज के समाज में तो यही गाने की चीज है, नारी विवश नर सकल गोसानी, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल।
नाचे नट मर के नानी नाचे नर मर कट की नानी नृपाप परायण धर्म नहीं करिदंड विडम्ब प्रजानित ही करिदंड विडम्ब प्रजानित ही। रामायण के अंत में कागभूषणी जी गरुड़ जी को कलयुग का वर्णन करते हैं। सुत मान ही मात पिता तब लो अब लालन दीख नहीं तब लो अब लालन दीख नहीं तब लो। गरुड़ गरुड़ एक दिन ऐसा आएगा गौर कलयुग, कलयुग की संतान अपने माता पिता की बात को तब तक सुनेगी तब तक मानेगी जब तक अपने होने वाली पत्नी का चेहरा नहीं देख लेती। देखिए कलयुग के लोग नारी के वश में वैसे हो जाएंगे जैसे मदारी के हाथ में बंदर। आपने कभी बंदर पकड़ने वाले को देखा है? बहुत देखने लायक है। आओ मैं शब्द से आपको दिखाऊं। इस सृष्टि में 84 लाख योनि में बंदर सबसे चंचल आदमी, और सारे पशु वश में हो जाए लेकिन बंदर बहुत मुश्किल। परंतु बंदर पकड़ने वाले बंदर को कैसे पकड़ते हैं? एक कांच का कुंजा बनाते हैं, कांच का पॉट, एक कांच का घड़ा होता है, नीचे से बड़ा ऊपर से बहुत पतला होता है। उस कांच के घड़े में चने डाल देते हैं और चना भरकर कांच का घड़ा रास्ते के बीच में रख देते हैं। बंदर को चना बहुत पसंद है, जैसे आज के पुरुष को स्त्री बहुत पसंद है, रात दिन स्त्री की चर्चा करता रहता है, वैसे बंदर को चना बहुत पसंद है। चने को देखकर बंदर दूर से उस घड़े के निकट चला जाता है और जाकर उस चने के घड़े में हाथ डाल देता है। हाथ चला गया, चने को पकड़ लिया, लेकिन जैसे बाहर निकालने जाता है तो उसका मुंह बहुत पतला होता है, वह हाथ निकलता नहीं है। अब चने को छोड़ दे तो हाथ निकल जाए, लेकिन चने में इतना आसक्त है कि जान कर भी चने को छोड़ नहीं सकता है, इसे आज का पुरुष। अब वो बंदर मेहनत करता है कि मैं चना निकाल दूं निकाल दूं, जैसे आज के लोग मेहनत करते हैं कि इस स्त्री से मैं सुख ले लूं। बहुत मेहनत करता है और उसी समय मदारी फांसी का फंदा लेकर रस्सी लेकर उस बंदर के निकट आता है, जैसे काल हमारे निकट आता है। लेकिन वह चने में आसक्त बंदर जानते हुए भी उस चने को छोड़ नहीं सकता है, वैसे आज का नर जानते हुए भी पत्नी की आसक्ति से मुक्त नहीं हो सकता। बंदर सोचता है कि अभी निकाल के भाग जाऊंगा, अभी चने निकाल कर भाग जाऊंगा, परंतु तुरंत वह मदारी आता है और बंदर उस चने की मेहनत में रहता है और बंदर के गले में रस्सी डाल देता है। रस्सी डाल देता है, जैसे विवाह के दिन हमारे गले में भी रस्सी रूपी हार आता है, वैसे मदारी डाल देता है रस्सी। और रस्सी डालने के बाद तो आप जानते हैं मदारी कहते हैं चलो राजा बनो, वो राजा बनता है, चलो सलाम करो तो वो सलाम करता है। मदारी के इशारे पर वह बंदर नाचता है। आज का पुरुष भी अपनी पत्नी के स्त्री के आसक्ति में फंसकर स्त्री के इशारे की एक कठपुतली बन चुका है। सुत मान ही मात पिता तब लो अब लालन दीख नहीं तब लो अब लालन दीख नहीं तब लो। जिस माता पिता ने जन्म दिया
पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छे से अच्छे वस्त्र दिए, भोजन दिया। लेकिन ये जब बड़ा होता है, सुबह ऑफिस में जाता है, शाम को जब ऑफिस में ऑफिस से घर पर आता है, तो उसे चाहिए 2-5 मिनट माता पिता के पास बैठे। लेकिन पत्नी इशारा करती है, सीधा बेडरूम में चला जाता है। सुत माँ नहीं मात पिता तब लो, अब लाल नदीख नहीं तब लो, अब लाल नदीख नहीं तब लो। ये कलयुग की बहुत बड़ी करुणा है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में, हमारे गुजरात में एक बहुत बड़े संत हुए जिसका नाम था भर्त हरि। बहुत बड़े राजा थे, पत्नी ने धोखा दे दिया, वैराग्य हो गया। हृदय में जब वैराग्य हुआ तब उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, वैराग्य शतक, और उसमें उन्होंने एक श्लोक लिखा, भोगान भोक्ता वैमेव भोक्ता, तपसान तपसा वैमेव तप्ता। मैं जब राजा था तब मैं ऐसा सोचता था कि मैं मेरी पत्नी को भोगत रहा हूं। मैं जब राजा था तब मैं सोचता था कि मैं संसार के भोग को भोगत रहा हूं। जैसे आज के लोग सोचते हैं ना कि मैं सिगरेट पी रहा हूं, मैं शराब पी रहा हूं। लेकिन तत्व की बात तो यह है कि हम सिगरेट और शराब नहीं पी रहे हैं, ये शराब और सिगरेट हमको पी रही है। आज का नर सोचता है कि मैं स्त्री को भोगत रहा हूं, लेकिन हम स्त्री को नहीं भोगत रहे हैं, स्त्री हमको भोगत रही है। ध्यान रहे मैं स्त्री की बात कर रहा हूं, यहां तो सब माताएं बैठी हैं, भजन करने वाली स्त्रियों की बात नहीं है, इसलिए ये आप लोगों के लिए नहीं है। मैं तो जो लोग भजन नहीं करते हैं, जो रात दिन है, नहीं तो यहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं, दिन को डाकिनी रात को वाघिनी। स्त्री की आसक्ति में फंस गए तो दिन को डाकू बनकर आती है। डाकू क्या करता है, चक्कू दिखाकर सारा धन लूट लेता है, और पत्नी को चक्कू दिखाने की जरूरत नहीं, आंख दिखाकर लूट लेती है, खाली कर देती है। दिन को डाकिनी और रात को वागिनी। वागिनी क्या करती है, मनुष्य का खून पी जाती है। स्त्री की आसक्ति में यदि फंस गए तो जीवन का तेज, तपस्या, वीर्य समाप्त हो जाए। अतः स्त्री की आसक्ति से बचे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, स्त्री के साथ रहना कोई तकलीफ नहीं है, स्त्री के साथ गृहस्थी में तो रहना ही चाहिए। एक गृहस्थ को कभी भी अपनी गृहस्थी को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन स्त्री के साथ गृहस्थी में वैसे रहे कि उस गृहस्थी में हम लोग आसक्त न हो जाए, है ना। प्रभुपाद जी एक बंगाली भाषा में कहावत कहते थे, जले नौका थाके तार खती नाही। नौका, नाव यदि जल में है तो कोई तकलीफ नहीं। वैसे हम लोग यदि गृहस्थी में हैं, पत्नी के साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जले नौका थाके तार खती नाही, नौका यदि जल में है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जल यदि नौका में आ गया, नौका डूबेगी। हम गृहस्थी में है कोई तकलीफ नहीं, हम पत्नी के साथ है कोई तकलीफ नहीं, लेकिन गृहस्थी और पत्नी हमारे दिमाग में आ गई तो डूबेगी ये गृहस्थी। जैसे दशरथ की डूबी, उत्तानपाद की डूबी, महाराज पुरुरवा की गृहस्थी डूबी, ययाति महाराज की डूबी, ये सब इतिहास हम सब भक्तों के लिए है।
कि इन इतिहासों को पढ़कर जानकर हम संभल जाए, समझ जाए। अपनी पत्नी के आसक्ति में मोह में फंसकर राजा उत्तानपाद अपने पुत्र के प्रति कर्तव्य को भूल गए। ध्रुव महाराज रोते हुए दौड़कर अपनी मां सुनीति के गोद में मस्तक रखकर रोने लगे। मां सुनीति कहने लगी, बेटा क्या हुआ, तुझे किसी ने कुछ कह दिया, तुझे क्या चाहिए, तू क्यों रो रहा है। बहुत प्रयास किया परंतु ध्रुव इतना रो रहा था कि बोल ही नहीं पाया। तब महल की किसी दासियों ने आकर कहा कि तुम्हारी सौत ने कटु वचन कहे हैं और ध्रुव को सिंहासन में नहीं बैठने दिया, इसलिए रो रहा है। तब सुनीति ने ध्रुव को बहुत सुंदर उपदेश दिया, आज की समस्त मां के लिए एक आदर्श पात्र है सुनीति। सुनीति ने प्रथम यह बात बताई, बेटा ध्रुव, हमारे जीवन में जो दुख आया है, इस दुख का कारण तेरी सौतेली मां नहीं है। कितनी सुंदर बात बताई। बेटा ध्रुव, भूल से भी तुम किसी को, तुम्हारी सौतेली मां को दोष मत देना, क्योंकि संसार में कोई व्यक्ति किसी को दुखी नहीं कर सकता। हमारा अपना कर्म ही हमें दुखी करता है। बेटा, हमने पूर्व जन्म में किसी का बुरा किया होगा, इसलिए आज हमारे जीवन में दुख आया है। अपनी मां को कभी दोष मत देना। आज की मां होती तो, बेटा आज तू छोटा है लेकिन जब बड़ा होगा ना तो दिखा देना कि तू भी सुनीति का पुत्र है। कितनी सुंदर शिक्षा है। तो इस प्रकार कहती हैं, तुम्हारी जो सौतेली मां ने कहा तपसा आराध्य पुरुषम, बोले बहुत सुंदर बात बताई, तुम्हें राजा की गोद में बैठना है ना। बोले हाँ मां, तुम यदि राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ भगवान विष्णु के पास। ध्रुव ने कहा, भगवान विष्णु के पास जाने से मुझे वो सिंहासन मिल जाएगा। बोले हाँ बेटा। ध्रुव रोते रोते पूछ रहे हैं, बोले मां इसके पहले किसी को मिला है। बोले हाँ, ब्रह्मा जी को मिला, कुछ नहीं था ब्रह्मा जी के पास, भगवान विष्णु की तपस्या की और ब्रह्मलोक के राजा बन गए। बोले माँ तो वो तो बहुत बड़े हैं हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में। बोले हाँ, तुम्हारे मनु दादा, तुम्हारे पिता उत्तानपाद और उनके पिता मनु भगवान विष्णु के लिए तपस्या किए और इस पृथ्वी के नहीं, इस 14 लोक, इस ब्रह्मांड के राजा बने। और 1-2-5 साल के लिए नहीं, 71 चतुर्युग तक इस ब्रह्मांड के राजा। बेटा तुम्हें भी यदि वहां बैठना है तो जाओ। ध्रुव ने तुरंत, वो तो क्षत्रिय का खून था, तुरंत खड़े हो गए। मां तो अब तू ये बता दे, भगवान मिलेंगे कहां। सुनीति ने कहा, मैं पूरा तो नहीं जानती हूं लेकिन इतना सुना है बड़े बड़े महात्मा भगवान की प्राप्ति करने के लिए वन में चले जाते हैं। तुरंत ध्रुव महाराज अपनी मां सुनीति के चरणों में प्रणाम किए, आशीर्वाद लिए और उसी समय उसी घड़ी अपना सब कुछ छोड़कर ध्रुव वन में जाने के लिए निकल पड़े। निकल गए ध्रुव। प्रश्न हो सकता है कि सुनीति का हृदय इतना कठोर हो गया कि 5 साल के बालक को घोर वन में भेज दिया, हिंसक पशु खा जाएंगे, मार डालेंगे, कोई चिंता नहीं। मत तो सुनीति को भगवान के चरणों में विश्वास था। बोले जो भगवान गर्भ जैसी विषम परिस्थिति में भी बालक की रक्षा करते हैं, तो उस भगवान को प्राप्त करने के लिए मेरा बेटा निकला है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, विश्वास है भगवान। सरक्षति रक्षति यो ही गर्भ है त्वमेव वत्साश्रय भृत वत्सलम।
भगवान तो उस गाय के समान है जो गाय अपने बछड़े की रक्षा करती है। इस प्रकार भेज दिया और सुनीति के हृदय में एहसास हुआ कि आज मैं पुत्र वाली हुई है। तो भगवान ऋषभ देव ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, गुरु न सस्यात् स्वजनन न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। वह माँ माँ नहीं है, वह पिता पिता नहीं है जो अपने पुत्र को भगवान के चरणों में न भेज दे, जो अपने पुत्र को भगवान की सेवा में न लगाए। हमारे इतिहास में ऐसी ऐसी माँ का वर्णन है जो अपना सब कुछ छोड़कर अपने पुत्र को भगवान की सेवा में लगाई, फिर वह सुनीति हो या सुमित्रा हो। भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन में जाने के लिए तैयार निकल रहे हैं, उसी समय लक्ष्मण क्रोधित होकर हाथ में धनुष बाण लेकर आए, प्रभु यदि आप वन में जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान राम ने बहुत तर्क दिए, नहीं लखन तुम घर पर रहो, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हैं, माता पिता का ध्यान रखो। बोले नहीं प्रभु, मैं आपके साथ चलूंगा। जब लक्ष्मण जी ने हठ पकड़ ली तब भगवान राम ने कहा, लखन यदि तुम्हें मेरे साथ चलना है तो अपनी मां सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ। तब लक्ष्मण जी अपनी मां सुमित्रा के पास आज्ञा लेने के लिए गए, लेकिन एक एक कदम कल्प के समान लग रहे हैं। यदि मेरी मां मुझे ना कह देगी तो मेरे भाई मेरे प्रभु मुझे साथ नहीं लेकर जाएंगे। लक्ष्मण जी सुमित्रा के पास पहुंचे, मां को प्रणाम किया, बोले मां आज मैं तुझे कुछ मांगना चाहता हूं। मां ने कहा, बेटा मांगो, क्या चाहिए? बोले मां मेरे भाई राम 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं, तो मां मैं राम के साथ 14 वर्ष के लिए उनके साथ वन में जाना चाहता हूं और तुमसे आज्ञा लेने आया हूं। संतों ने लिखा, सबसे पहले तो सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण को बहुत डांटा, बोले तेरा भाई राम यदि 14 वर्ष के लिए वन में जा रहा है और तू मुझे पूछने आ गया, तुझे वहीं से ही राम के साथ वन में चले जाना चाहिए था, क्यों तुझे तेरी मां के ऊपर भरोसा नहीं? बेटा यदि राम वन में जा रहे हैं तो तेरा यहां अयोध्या में क्या काम है? सुमित्रा ने इस जगत की मां ने उपदेश दिया, बेटा इस संसार में जहां राम है वहीं तेरी अयोध्या है, क्योंकि प्रकाश वहीं है जहां पर सूर्य का जन्म होता है। सूर्य वंश के राम जहां है वहीं तेरी अयोध्या, और राम और सीता की ऐसी सेवा करना, ऐसी सेवा करना कि एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी उन्हें अयोध्या की याद ना आए। बेटा आज से मैं तेरी मां नहीं, आज से राम ही तेरे पिता है और जगत जननी सीता ही तेरी मां है। 14 वर्ष के लिए एक पल भी सोना मत, अपनी निद्रा को वश में रखना, काम को वश में रखना और ऐसी सेवा करना कि जिससे तेरे भाई प्रसन्न हो जाए। जाओ बेटा जाओ, आज तक मैं अपने आप को पुत्र वाली नहीं मानती थी, लखन तू इतना बड़ा हो गया, लेकिन आज तक मैंने संसार में किसी को नहीं कहा कि मेरा कोई पुत्र है, लेकिन आज तो मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी, पूरे दुनिया में ऐलान करूंगी कि आज मैं पुत्र वाली हो गई। क्यों? क्योंकि मेरा पुत्र राम की सेवा के लिए जा रहा है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जातु सित होई। पुत्रवती जुबती जग सोई। देवी सुमित्रा कहती है कि संसार में वही पुत्र वाली है जिसका पुत्र रघुपति राम और कृष्ण का भक्त हो। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जातु सीत होई। नत रूपांज बलि बानी बियानी, राम विमुख हित ते सुख नाही।
देवी सुमित्रा कहती हैं, इस संसार में वही माँ माँ है जिसका पुत्र रघुपति राम और कृष्ण का भक्त हो, और जिसके पुत्र राम और कृष्ण के भक्त नहीं है उससे तो अच्छा है वह माँ बांझ ही रह जाए, क्योंकि जिसके पुत्र राम और कृष्ण के भक्ति नहीं करते हैं वह तो अपने माता पिता की जवानी को काटने के लिए ही पैदा होते हैं, वह तो इस संसार के ऊपर बोझ बन जाते हैं। आज मैं धन्य हो गई, आज मैं पुत्र वाली हो गई, क्योंकि मेरा पुत्र राम का भजन करने के लिए जा रहा है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जातु सिंह होई, न तरु बांझ बलि मानी पियानी, राम विमुख सुत ते जानी। राजा राम 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 सीता राम राम राम, आइए राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम प्रेम से सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। धन्य है माँ सुमित्रा कि अपने पुत्र को 14-14 वर्ष के लिए भगवान राम की सेवा में भेज रही है, और धिक्कार है आज की माँ को है भक्तों की संगति में प्रभुपाद जी की संस्था में। यदि कोई बच्चा भगवान के मंदिर में जाने का प्रयास कर रहा हो तो आज की माँ कहती है मंदिर क्यों जा रहा है, बेचारा सत्संग करके मंदिर जा भी रहा तो उसे रोक देती है, वह माँ माँ नहीं है। भक्तों आप जानते हैं प्रहलाद महाराज ने अपने पूरे जीवन काल में हिरण्यकश्यपु को पिता नहीं कहा, पूरे जीवन में प्रहलाद ने अपने पिता को पिता नहीं कहा। जब भी हिरण्यकश्यपु कुछ पूछते थे तो प्रहलाद का यही संबोधन होता था, तत्साधु मनिये असुर वर्य देही नाम, सदा समुद विघ्न धियम असद ग्रहात इतवात्म पातम ग्रीमंद कूपम वनम गतो यत हरिमाश्रयेत। तत् साधु मनिये असुर वर्य देही नाम, हे असुरों के सरदार। एक बेटा अपने बाप को ऐसा कहता था, हे असुरों के सरदार, और बाप को भी बुरा नहीं लगता था, वो सोचता था मेरा बेटा मेरे पराक्रम को जानता है, आखिर मैं असुरों का सरदार ही तो हूं। परंतु प्रहलाद को पूछा गया कि आप अपने पिता को पिता क्यों नहीं कह रहे हो, तो प्रहलाद कहते हैं पिता उसे कहते हैं जो अपने पुत्र को भगवान की भक्ति में लगाता है, और ये मेरा बाप मैं जो थोड़ी बहुत कर रहा हूं उससे भी मुझे हटा रहा है, कहाँ का पिता है। भक्तों केवल बालकों को जन्म दे देना ये माता पिता का कर्तव्य नहीं है, माता पिता का कर्तव्य है बालक को जन्म देकर उनके शरीर का भरण पोषण करते हुए उनकी आत्मा का भरण पोषण करे और उसे परमात्मा की सेवा में लगाए। आपने अपने पुत्र को बहुत कुछ दिया है, अच्छे से अच्छा भोजन दिया, अच्छे से अच्छे कपड़े दिए, अच्छे से अच्छी स्कूल में पढ़ाया, सब कुछ अच्छा दिया, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं सिखाई तो बड़ा होकर वे आपको रखेगा या नहीं रखेगा कोई भरोसा नहीं। आज के संतान कहां अपने माता पिता की सेवा करते, लेकिन अच्छे से अच्छे वस्त्र दो या न दो,
हैं, अच्छे से अच्छा भोजन दो या न दो, अच्छे से अच्छे स्कूल एजुकेशन दो या न दो, अपने पुत्र को कृष्ण और राम की भक्ति सिखा दो, गारंटी भागवत देता है कि बड़े होकर पुत्र माता पिता की सेवा करेंगे। क्योंकि भजन करने वाले पुत्र को सिखाने की जरूरत नहीं, माता पिता की सेवा करो। भागवत में लिखा है यस्यास्ति भक्ति भगवन अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समा सते सुरा। जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उत्पन्न हो जाती है, उस भक्त के हृदय में सभी देवी गुण प्रकट हो जाते हैं, सभी देवी गुण। अतः अपने संतान को भक्त बनाइए। जैसे आज सुनीति ध्रुव को भेज रही है, ध्रुव निकल पड़े हैं जंगल में, वन में। तो हम लोग भी वन में जाते हैं कभी कभी, वृंदावन गोकुल है, लेकिन वृंदावन जाने के 2 महीने पहले तैयारी करते हैं, हैं शक्करपारा बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, हैं न जाने क्या क्या तैयारी करते हैं 2-2 महीने पहले से। लेकिन धन्य है ध्रुव, जैसे ही पता चला भगवान वन में मिलते, तुरंत उसी घड़ी उसी समय सब कुछ छोड़कर चले गए। गए हैं वन में, घोर वन में प्रवेश किए। भक्तों मैंने ये कथा प्रारंभ की थी कहां से, किस सिद्धांत से जानते हैं? जिस व्यक्ति के हृदय में सच्ची इच्छा होती है, जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है, धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है, उसे भगवान मदद करते हैं। और भगवान की पहली मदद क्या होती है? उसे सदगुरु प्राप्त होते हैं। आज जब ध्रुव के हृदय में सच्ची इच्छा है कि मैं भगवान को प्राप्त करूं बस और कुछ नहीं, तो जब भगवान को प्राप्त करने की ध्रुव के हृदय में सच्ची इच्छा हुई, तब भगवान कृष्ण की कृपा से ध्रुव को नारद मुनि जैसे गुरु मिल गए। अब विचार कीजिए, जिसको नारद जैसे गुरु मिल गए, अब उसके और भगवान के बीच में क्या अंतर रहा? नारद जैसे शुद्ध गुरु, हमें भी नारद जैसे गुरु मिल सकते हैं, हमें भी सदगुरु मिल सकते हैं, लेकिन सदगुरु तब मिलेंगे जब हमारे मन में सच्ची इच्छा होगी, सतमार्ग में चलने की ही इच्छा होगी, धर्म का शुद्ध पालन करने की इच्छा होगी। आज तो हमारी इच्छा भी शुद्ध नहीं है, हम लोग सोचते हैं कि हैं थोड़ा बहुत धर्म भी करे और थोड़ा बहुत मौज मस्ती ऐश भी कर ले, हैं सिनेमा में भी जाए, होटलों में भी जाए, थोड़ा सिगरेट शराब नशा भी थोड़ा कर ले और थोड़ा धर्म का भी पालन कर ले सब। जिसकी ऐसी मिलावट वाली इच्छा होती है ना, उसे मिलावट वाले गुरु मिलते हैं। जिसकी जैसी इच्छा वैसे गुरु मिल ही जाते हैं, क्योंकि गुरु की समाज में कोई कमी नहीं, गली गली में गुरु भरे पड़े। लेकिन कैसे गुरु हमें मिलेंगे? ये गुरु मिलाने वाले भगवान होते हैं, तो भगवान हमको वैसे गुरु मिलाएंगे जैसी हमारी इच्छा। हम चाहते हैं भोग भी भोगे तो ऐसे गुरु मिलेंगे, आपको जो खाना है खाओ, जो करना है करो, लेकिन यहां डोनेशन दान करते जाओ, आपका काम बन जाएगा। ऐसे पाखंडी गुरु मिल जाते हैं। एक बार दिल्ली में एक ऐसे गुरु थे, हमारे महाराष्ट्र से कोई गया गुरु के पास, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव कृपा कीजिए मुझ पर कृपा कीजिए। गुरु जी ने कहा कल से तू मेरा ध्यान करना। अब जहां भगवान का ध्यान होना चाहिए, लेकिन आज के गुरु क्या कहते हैं, मेरा ध्यान करना। अब उस गुरु का क्या ध्यान करे जो गांजा पीते हैं? अब ये ध्यान करे कि आप गांजा पीते हो, बेटा कल से मेरा ध्यान करना और मेरे मंत्र का जाप करना, तुझे वैकुंठ मिल जाएगा। वाह, वो जो महाराष्ट्र से जो गया था ना, वो तो खुश हो गया, वाह गुरुजी वाह। गुरुजी आपको मैं कुछ दान देना चाहता हूं। क्या देना चाहते हैं? मैं पूरा महाराष्ट्र आपको दान में देकर जाता हूं, पूरा महाराष्ट्र आपको दान में दे रहा हूं, क्योंकि आज तो आपने मुझे बढ़िया कृपा दे दी। गुरुजी क्रोधित हो गए, साले मूर्ख, ये महाराष्ट्र क्या तेरे बाप का है? तू मुझे दान में देने बैठा है? ये महाराष्ट्र क्या तेरे बाप का है?
तब वो चेला बोला, तो गुरुदेव वैकुंठ क्या आपके बाप का है क्या आप मुझे देने बैठे? वैकुंठ प्राप्त करने के लिए तो वैकुंठ पति भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, कृष्ण का नाम लेना चाहिए। लेकिन आज के गुरु बिगड़े हैं, और जैसी इच्छा होगी वैसे गुरु मिलेंगे। इसलिए मन में शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। आज ध्रुव महाराज के मन में शुद्ध इच्छा थी, शुद्ध गुरु मिल गए। वहां जनकपुर में निमी महाराज की शुद्ध इच्छा थी, नव योगेश्वर जैसे शुद्ध गुरु मिल गए। आज से 5000 वर्ष पहले महाराज परीक्षित के हृदय में शुद्ध इच्छा हुई कि अब मुझे कुछ नहीं करना, ये राजपाट सब कुछ त्याग दिया, बस अब तो मुझे इसी जन्म में इस 7 दिन में वैकुंठ की प्राप्ति करनी, और कुछ नहीं चाहिए। जब महाराज परीक्षित की इतनी शुद्ध इच्छा हुई तब सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु प्राप्त हो गए। इसलिए भगवान की कृपा से शुद्ध गुरु मिलेंगे, लेकिन शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। आज समस्त ऋषि मुनियों के हृदय में शुद्ध इच्छा थी कि हमारी भक्ति में प्रगति हो, हमारी भक्ति आगे बढ़े। तो समस्त ऋषि मुनियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने एक ऐसा योग बनाया और पितामह भीष्म के मुख से उपदेश देना प्रारंभ करवाया। सबकी इच्छा पूर्ण। और भक्तों, उस समय पितामह भीष्म के मुख से उपदेश सुनने के लिए सुत गोस्वामी कहते हैं, पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदश्वो भरद्वाज शशिशो रेणुका सुतः। और कौन आए? वशिष्ठ इंद्र प्रमदो स्त्रितो ग्रुत्समदो सितः कक्षिवान गौतमो त्रिश्च कौशिकोथ सुदर्शनः। वशिष्ठ ऋषि आए हैं, जो इश्वाकु वंश के कुल पुरोहित थे। जन्म से जब वशिष्ठ जी का ब्रह्मा जी से जन्म हुआ, ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि आप सूर्य वंश के कुल पुरोहित बनो। तो वशिष्ठ जी ने पहले पुरोहित पना स्वीकार नहीं किया, पुरोहित बनना स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा पुरोहित बनो, बोले मैं नहीं बनूंगा। तब जाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सूर्य वंश में भगवान राम का जन्म होगा और तुम्हें राम का पुरोहित बनने का अवसर प्राप्त होगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा तो बन जाऊंगा, यदि राम का पुरोहित बनना है तो मैं बनूंगा। तो वशिष्ठ जी जो भगवान श्री रामचंद्र के, दशरथ के, इक्ष्वाकु वंश में रघुकुल के समस्त राजाओं के गुरु, ऊर्जा और अरुंधति के पति और विश्वामित्र के शत्रु, ऐसे वशिष्ठ ऋषि भी पितामह भीष्म के मुख से प्रवचन सुनने के लिए आए। कुछ भक्तों को मन में हो रहा होगा कि ये अब जल्दी शुरू करो ना प्रवचन पितामह भीष्म का, ये आए वो आए, ये सब क्यों गिना रहे हो? भक्तों, मैं इसलिए गिना रहा हूं कि जब कोई महात्मा प्रवचन कर रहा हो तो उस प्रवचन की कितनी महिमा है। और इस ऋषि मुनियों का तो नाम लिखा है, मैं उनका चरित्र इसलिए बता रहा हूं कि इतने बड़े बड़े ऋषि भी अपने अपने स्थान को, अपने अपने कार्य को, सबको छोड़कर अपने शिष्य को लेकर प्रवचन सुनने के लिए आए। तो यह भागवत कथा की कितनी महिमा है इस प्रसंग से जानने मिलता है। अब बताइए, जिन्होंने भगवान राम का पुरोहित किया है, भगवान राम का जिसने हित किया, दशरथ का, रघुकुल का जिसने हित किया, उसे प्रवचन सुनने की क्या जरूरत थी? राम के गुरु को प्रवचन सुनने की जरूरत? लेकिन फिर भी भागवत ने यह दिखाया, कोई व्यक्ति कितना भी उच्च स्तर पर पहुंच जाए,
परंतु उसे भागवत सुनना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु इस बात को दशाश्वमेघ घाट पर रूप गोस्वामी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे रूप, एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्षते जीव कर ये भ्रमण। इस ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों जीव भ्रमण करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव? किसी एक भाग्यवान जीव को गुरु और कृष्ण की कृपा से ये भक्ति का बीज प्राप्त होता है। और जब भक्ति रूपी बीज हमारे हृदय में प्राप्त हुआ तो कहते हैं माली अय्या करे सही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करिए सिंचन। अब पूर्वजों की कृपा से, हमारी सुकृति से आज हम सबके हृदय में भक्ति का बीज है। ये मत समझिए हम लोग बहुत बहुत बड़े भगत हो गए, भक्ति का बीज आया है। और वो भी इसका सिंचन करोगे तो रहेगा, नहीं तो ये भी सूख जाएगा। इसलिए इस भक्ति रूपी बीज को सिंचन करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए। और सिंचन क्या है? श्रवण कीर्तन जले करिए सिंचन। भगवत कथा सुनना, भगवान का नाम लेना, ये भक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा साधन है। और आगे महाप्रभु कहते हैं कि जब निरंतर श्रवण कीर्तन करते रहोगे ये भक्ति बढ़ती जाएगी। तदे तरी ये लता जो है गोलोक वृंदावन, धीरे धीरे करके स्वर लोक, ब्रह्म लोक, जन लोक, महर लोक, तप लोक, इस ब्रह्मांड को भेद कर वैकुंठ, और वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में चली जाएगी। और गोलोक वृंदावन में भी उनकी भक्ति लता जो है भगवान के चरणों में लपेट जाएगी, और वह भक्त यहां पर कृष्ण प्रेम रूपी फल का आस्वादन करेगा। लेकिन वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने याद कराया कि उस स्थिति में भी एक भक्त श्रवण और कीर्तन करना कभी नहीं छोड़ेगा। भक्ति की कितनी उच्चतर सीमा में कोई पहुंच जाए, उस उच्च स्थिति में पहुंच कर भी यदि किसी ने यह श्रवण बंद कर दिया, भक्ति से पतन हो जाएगा। इसलिए यह साधन जो है श्रवण कीर्तन, सर्व अवस्था, सर्वदेश, सर्वकाल, सर्व पात्र के लिए है। नहीं तो राम के गुरु को यह सुनने की जरूरत? उन्होंने भी दिखाया नहीं, जरूरत है। और इसी से हमारा कल्याण हो सकता है। तो वशिष्ठ ऋषि आए, इंद्र प्रमद आए। ये इंद्र प्रमद पैल ऋषि के शिष्य हैं और मांडुक्य के गुरु हैं। तत्पश्चात त्रित ऋषि आए, अहल्या के पति गौतम ऋषि के 3 पुत्र थे, एकत, द्वितत और त्रितत। तो गौतम ऋषि के पुत्र जिसका नाम था त्रित, वो भी पितामह भीष्म के मुख से उपदेश सुनने के लिए आ गए। गुत समद आए, असित आए, इस ऋषि का नाम भगवद गीता में कृष्ण अपने मुख से कहते हैं। अर्जुन बोलते हैं असित देवल व्यास। असित ऋषि आए, तत्पश्चात सुध गोस्वामी कहते हैं कक्षीवान आए, गौतम ऋषि आए, अंगिरस, अंगिरस कुल में जिसका जन्म हुआ, ऐसे गौतम ऋषि आए, अत्रि ऋषि आए, जो तीनों गुणों से परे हैं, अहल्या के है ना, अनसुया के पति हैं, ऐसे अत्रि मुनि भी वहां पर प्रकट हो गए। कौशिक ऋषि आए और अंत में कहते हैं सुदर्शन ऋषि आए। आगे कहते हैं अन्ये च मुनयो ब्रह्मन है? ये सब तो आए, चलो ये तो समझ में आता है ये सब आए, लेकिन अब सुध गोस्वामी कहते हैं कि उस सभा में पितामह भीष्म के मुख से प्रवचन सुनने के लिए है श्रीमती राधा रानी के जो शुक था, जो तोता था, वह शुक के अवतार साक्षात सुखदेव गोस्वामी भी वहां पर प्रकट हो गए। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मला
शिष्य रूपे ता जग मू कश्यपांगी रसादय। अन्येच मुनय ब्रह्मन, हे मुनय, हे ऋषि मुनियो, और मैं क्या बताऊं, ब्रह्म रात साक्षात ब्रह्म ने, भगवान ने जिसकी रक्षा की, ऐसे सुखदेव गोस्वामी उस सभा में प्रकट हो गए। फिर से कहते हैं शिष्येर उपेता आजगमु, और ये जितने भी आए हैं ये सब लोग अपने अपने शिष्य को साथ में लेकर आए। कश्यप अंगिरस, कश्यप और अंगिरस ये समस्त ऋषि मुनि आए। भक्त, इस श्लोक के दूसरी लाइन में लिखा है ब्रह्म राता आदयो अमला, ये जितने भी ऋषि आए ये सब लोग अमल थे, निर्मल थे, उनके हृदय में कोई पाप नहीं था। इससे आज के समाज के लोगों को एक उपदेश मिलता है। आज हम जब किसी को कहते हैं कि यहाँ बटार में बहुत सुंदर भागवत कथा है, आप भागवत कथा सुनने के लिए आइए, तो कुछ लोग कहते हैं हमने थोड़ी ना पाप किया है। हम लोग कहते हैं आप भगवान का नाम लीजिए, भक्ति कीजिए, बोले हम पाप नहीं करते। तो क्या जो लोग पाप करते वही कथा सुनते हैं, जो पवित्र हो गए वो कथा नहीं सुनते हैं? इसलिए सूत गोस्वामी कहते हैं अमला, जो समस्त पापों से मुक्त हो चुके हैं ऐसे अमल ऋषि मुनि भी कथा सुनने के लिए आए। और जो पापों से मुक्त हो गए ना उसे तो कथा की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य पापों से मुक्त होना नहीं, हमारे जीवन का लक्ष्य तो कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न करना है। और ये भगवत कथा सुन के पापों से मुक्त होना ये तो गौण है, भगवान का नाम लेकर हम लोग पापों से मुक्त हो जाएंगे ये तो बहुत छोटी सी बात है। और कुछ लोग पापों से मुक्त होने के लिए यदि कथा सुनते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, जानते वो कैसा है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दृष्टांत देते हैं, वो तो वैसा ही है, मान लो आप हम किसी के घर पर जाए और किसी के घर पर किसी सिंह को बांधा हुआ रखा हो, तो हम कहेंगे भाई साहब आपके घर पे ये सिंह को क्यों बांधा है? तो घर वाला कहे चूहे बहुत हो गए थे ना इसलिए सिंह को बांधना पड़ा। पाप को मिटाने के लिए ये भागवत कथा और भगवान का नाम वैसा ही है जैसे चूहे पकड़ने के लिए मांग करे। अरे चूहे को पकड़ने के लिए बिल्ली काफी है, शेर की जरूरत नहीं। वैसे पापों से मुक्त होने के लिए नामाभास काफी है, पापों से मुक्त होने के लिए भागवत सुनने की जरूरत नहीं, ये सुनने की इच्छा हो जाए सारे पापों से मुक्त। ये भागवत सुनना, भगवान का नाम लेना पापों से मुक्त होने के लिए नहीं, ये तो कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न करने के लिए है, है? दिलो जान से भगवान के साथ प्रेम करने के लिए ये सब व्यवस्था और ये सब कार्य हो रहे हैं। क्योंकि इस पंडाल में आने की सोचने से ही कोई पापों से मुक्त हो जाता है, और जिसके हृदय में पाप है ना वो तो यहां बैठ ही नहीं सकता। सुनने की बात तो दूर रही, क्योंकि पाप जो है कीड़े के समान है, इतना हिलते हैं कि दो दो घंटे तक बैठने नहीं देता। थिएटर में तीन तीन घंटे बैठेंगे लेकिन प्रवचन में 15 मिनट होगी हिलने लगेंगे, जितनी भी कड़ा होगी सारी कड़ा बदल देंगे और फिर अंत में खड़े होकर चले जाएंगे। इस कार्य को करने के लिए सुकृति चाहिए भक्तों, पुण्य चाहिए। हम अक्सर दृष्टांत देते हैं, मुंबई में कोई गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़ा हो और इसकी इच्छा उसको भूख लगी हो, तो भूख लगी तो सामने होटल ताज, बहुत बड़ी होटल है ताजमहल, और ताजमहल होटल के सामने एक वड़ा पाव की लारी है, गाड़ी है। अब वो सोचता है कि मैं उस ताज होटल में जाऊं कि वड़ा पाव की गाड़ी के ऊपर जाऊं, तब वो क्या करता है, अब सोचता है जेब में कितना रुपया देख लूं, तो 5 रुपया ही है, फिर भी वो सोचता है चलो मैं जाऊं ताज में। तो वो ताज में जाता है और वहां जाकर होटल में बैठता है, और जैसे ही मेनू खोलता है तो चाय 500 रुपये की, जेब में 5 रुपया और वहां चाय ही 500 रुपये की।
मेनू रख देता है, खड़ा होकर वहां से निकल जाता है और वड़ा पाव की गाड़ी के ऊपर खड़े खड़े वड़ा पाव खा लेता है। भक्तों, जिसके जेब में पैसा नहीं वो ताज में नहीं जा सकता, वो तो वड़ा पाव की गाड़ी के ऊपर ही खड़ा रह सकता है। ठीक उसी प्रकार जिसके जीवन में पुण्य नहीं, सुकृति नहीं, वो भागवत में नहीं बैठ सकता, वो तो रोड और गलियों में ही चक्कर लगा सकता है, वो यहां आ नहीं सकता। और यदि यहां आ भी गया, मान लो वो ताज में गया लेकिन 5-10 मिनट बैठकर निकल जाएगा, मान लो यहां आ भी गए लेकिन सुकृति और पुण्य नहीं होने के कारण खड़े होकर निकल जाएंगे, उनके पाप उनको बैठने नहीं देंगे। तो भक्तों, भगवत कथा में बैठना यह भी बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ी सुकृति है। और उसमें भी जब ये समझ में आए है ना, तब तो और भी मधुर है। और समझकर जब ये जीवन में उतर जाए तब तो ये जीवन ही वैकुंठ बन जाए। तो इस प्रकार ये भागवत कथा पापियों के लिए नहीं, ये तो अमला पवित्र लोगों के लिए है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि उस सभा में आए, सब लोग जुटे, और ये सभी ऋषि मुनि आए, पितामह भीष्म ने सबका स्वागत किया। अब पितामह भीष्म तो सरसैया पर लेटे हुए थे, उनके शरीर में सैकड़ों बाण लगे हुए थे, बाणों की सैया पर सोए थे। उस बाणों की सैया पर सोए हुए पितामह भीष्म ने कैसे स्वागत किया? तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तम पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवी। तान समेतान, तान उस जगह पर समेतान जितने भी लोग आए थे, ये सब लोग कैसे थे? अब श्लोक में देखिए, महाभागान, वहां पर जितने भी लोग आए थे सब महाभाग। महाभाग का अर्थ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वेरी फॉर्चुनेट पर्सन, सबसे बड़े भाग्यशाली इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के भाग्यशाली लोग वहां पर आए। देखिए महाभागान शब्द के ऊपर आप समझ सकते हैं, महाभागान का अर्थ होता है महाभाग्यवान। इस संसार में भी हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि फलानी है वो तो बहुत भाग्यवान है, फलाना आदमी बहुत भाग्यवान है। क्यों भाग्यवान है? क्योंकि उसके पास कितने पैसे हैं यार, उनकी कितनी फैक्ट्री चलती है। इस संसार में जिसके पास बहुत धन होता है लोग उसे भाग्यवान मानते हैं, परंतु भागवत किसे भाग्यवान कहता है? कहते हैं तान समेतान महाभागान, जिसके पास धन है, गाड़ी बंगले पैसे, वास्तव में वो तो भाग्यवान है, परंतु ये सब होकर भी जो लोग भगवत कथा नहीं सुनते हैं तो वो भाग्यवान नहीं। जिसके पास गाड़ी बंगला पैसा है वो भाग्यवान, लेकिन जिसके पास ये कुछ नहीं परंतु भगवत कथा सुनने का जिसको अवसर मिल जाए वो भाग्यवान नहीं, वो तो महाभाग्यवान बन जाता है। नहीं तो बताइए, ये जितने भी ऋषि मुनि आए क्या वो सब करोड़पति थे? टाटा बिरला बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही थी, ये सब ऋषि मुनियों का नाम लिया है? जितने भी 18 ऋषि मुनि गिनाए किसकी फैक्ट्री थी? सब कोरे फक्कड़ बाबा सन्यासी थे, कुछ नहीं था। लेकिन इन ऋषि मुनियों के लिए क्या शब्द कह रहे हैं? तान समेतान, ये सब लोग महाभाग्यवान थे। भक्तों, इस संसार में थोड़ी सी संपत्ति, गाड़ी बंगला धन आ जाने से कोई भाग्यवान नहीं बनता, वास्तव में वह व्यक्ति महाभाग्यशाली है जिसको भगवान की कथा मिल जाती है। क्यों? क्योंकि संसार के काम करने से तो लक्ष्मी मिलेगी, पैसा मिलेगा, और वह भी कैसी लक्ष्मी है? चंचल लक्ष्मी, चंचला लक्ष्मी, आती है चली जाती है। संसार के कोई भी काम धंधे बिजनेस करने से चंचला लक्ष्मी मिलती है,
लेकिन यदि कोई व्यक्ति भागवत कथा में आकर बैठ जाता है तो लक्ष्मी के नाथ भगवान कृष्ण को ही अपने वश में कर लेता है, अपनी भुजाओं में बांध लेता है, है? दुनिया के अन्य कार्य करने वाले भाग्यशाली हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण कथा सुनने वाले महाभाग्यशाली, क्योंकि इस कथा को सुनकर अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति भगवान को ही अपने इशारे पर नचा देते हैं। इसलिए महाभागा, और आपने देखा भी होगा इस संसार में जो कोई राज्य का देश का राजा होता है ना, उसे राजा कहते हैं, लेकिन हमारे इस्कॉन में देखिए जिसने सन्यास ले लिया उसको क्या कहते हैं, महाराज। वैसे इनको राजा कहते हैं लेकिन जो सन्यासी है उनको महाराज कहते हैं। क्या उनके उनके पास बहुत बैंक बैलेंस है? नहीं। राजा के पास हो सकता है धन संपत्ति हो, परंतु जो सन्यासी हैं उनके पास कृष्ण भक्ति रूपी धन है, और कृष्ण भक्ति रूपी जो धन है वही है वास्तविक धन, और वही है वास्तविक महाभाग्यवान। तो तान समेतान महाभागान उपलब्य वसुत्तम, वहां पर जितने भी लोग आए उनका स्वागत किया किसने, वसुत्तम। वसुत्तम माने वसुओं में जो उत्तम है, संधि विच्छेद करेंगे तो वसु उत्तम। पितामह भीष्म पूर्व जन्म में दो नाम के वसु थे, और ये लोग कुल आठ भाई थे। आठों भाई की शादी हो गई और हनीमून करने के लिए कहीं गए, तो हनीमून करने अपनी अपनी पत्नियों के साथ गए थे, तो घूमते 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 वशिष्ठ मुनि के आश्रम के पास बैठे। लोग जाते ना हनीमून करते करते कोई मॉल में जाते हैं, तो ये दो नाम के जो वसु थे सबसे बड़े भाई, उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे वो जो कामधेनु गाय है ना वो चाहिए। तो ये दो नाम के वसु गए, आठों भाई मिलकर ये काम किया, लेकिन दो नाम के वसु प्रमुख थे। वो आगे गए और गाय को चुरा लिए। जब आठों भाई ने मिलकर वशिष्ठ जी की कामधेनु गाय को चुरा लिया तो वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया, सालो कलयुग के मनुष्य की तरह काम करते हो, चोरी करते हो, जाओ श्राप देता हूं तुम सबका कलयुग में जन्म हो, क्षमा कीजिए मनुष्य योनि में जन्म हो। सब लोग चरणों में गिर गए, महाराज हम लोग वसु हैं, मनुष्य से कोटि गुना श्रेष्ठ गंधर्व है, किन्नर है, और ये वसुओं की योनि है। बोले हम वसु हैं और हमारा पतन हो जाएगा, हम मनुष्य योनि में जाएंगे। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम सात भाई का उद्धार मनुष्य की योनि में जन्म होते ही तुरंत उद्धार हो जाएगा, लेकिन ये जो बड़ा भाई है ना तुम्हारा, उसका जल्दी उद्धार नहीं होगा, उसको बहुत काल तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। इस प्रकार से शाप शिरोधार्य किया और ये आठों भाई ऊपर से पृथ्वी लोक में आ रहे थे, और उसी समय इनको रास्ते में गंगा देवी मिल गई। गंगा, गंगा का मूर्तिमान स्वरूप। गंगा ने कहा, हे वसुओ तुम कहां जा रहे हो? बोले हमको श्राप मिला है मनुष्य योनि में जन्म लेना, हम लोग बहुत दुखी हैं। गंगा का हृदय कोमल था। कई बार हमको प्रश्न होता है ना कि राजा शांतनु की पत्नी गंगा को सात सात पुत्र हुए, जन्म होते ही उन्होंने नदी में क्यों बहा दिया? ये स्त्री इतनी कठोर क्यों हो गई कि अपने नन्हे नन्हे बालकों को मार डाला? सुनिए इसका जवाब। ये आठों वसु जब आ रहे थे देवी गंगा रास्ते में मिली, बोले आप लोग चिंता मत करो, मैं आपका उद्धार करूंगी, आपको मनुष्य नहीं बनना है ना, लेकिन श्राप है ना, तो मैं आपको मनुष्य के रूप में जन्म दूंगी और जन्म देते ही आपका उद्धार कर दूंगी। तो उसी प्रकार शांतनु की पत्नी बनकर गंगा ने अपने हृदय से ये आठ वसुओं में से सात वसुओं को एक एक करके जन्म दिया, और जन्म देते ही पानी में बहा दिया, मार डाला, और मरते ही ये लोग फिर से वसु बन गए।
और शांतनु के साथ शर्त थी कि मुझे ना मत कहना, ना कहोगे तो मैं चली जाऊंगी। सात वसु का उद्धार हुआ और आठवें वसु को जब जन्म दिया तब शांतनु नहीं रह पाए, बोले तुम कितनी निर्दयी हो, इस प्रकार से बालकों को जन्म दे देकर मार रही हो, मैं इस बालक को नहीं मारने दूंगी। तुरंत गंगा ने बालक को सौंप दिया और खुद देवलोक में चली गई। और ये वही बालक जिन्होंने कामधेनु गाय को चुराया था, और ये बालक आगे चलकर देवव्रत और भीष्म हुआ। ये है हमारा इतिहास। तो कहते हैं कि उपलब्य वसु उत्तम, वसुओं में जो उत्तम थे ऐसे पितामह भीष्म ने पूजिया मास धर्मज्ञो देश काल विभागवित, समस्त ऋषि मुनियों का स्वागत किया। प्रश्न हो सकता है ना कि शरसैया पर सोए हुए हैं, हाथ पांव में मस्तक में बाण लगा हुआ है भक्तों, जब अर्जुन ने पितामह भीष्म को बाणों से छल्ली कर दिया और पितामह भीष्म धराशायी हुए, संध्या का समय हो गया, सब लोग अपने अपने रथ से उतर गए, तब पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन तुमने मुझे शैया तो बहुत सुंदर दी लेकिन तकिया नहीं दिया, मस्तक जो था बिल्कुल पीछे हो गया था, सपोर्ट नहीं था पितामह भीष्म के मस्तक के लिए। बोले अर्जुन शैया तो बहुत अच्छी दे दी लेकिन तकिया नहीं दिया। दुर्योधन गया अपने रथ पर और दो तकिया लेकर आया, पितामह पितामह ये तकिया रखो, सोचा कि पितामह खुश हो जाएंगे। बोले शैया बाण की और तकिया रोई करूंगा मैं, कभी नहीं, मैं तो अर्जुन का तकिया लूंगा। अर्जुन जैसी शैया तुमने मुझे दी है वैसा ही तकिया दे दो। भक्तों अर्जुन ने पितामह